बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर सभी कंफर्म कंटेस्टेंट जो हैं प्रवेश कर चुके हैं। अब जंगल में पूरी तरह से दंगल होगा, मंगल होगा, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, बहुत सारा फन होगा आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। 16 कंटेस्टेंट के बीच में एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिनकी एंट्री पर बवाल मचा, जिसकी एंट्री पर भूचाल आ गया सोशल मीडिया पर, और उस कंटेस्टेंट का नाम है जय भानुशाली। जय भानुशाली के लिए ये काफ़ी मुश्किल वक्त था, क्योंकि जय भानुशाली के जो बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे हैं, और ऐसे में अपने बच्चों से दूर रहकर बिग बॉस सीजन 15 के घर में आने का जो निर्णय लेना वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा जय भानुशाली के लिए। और ऐसे में जय भानुशाली जो हैं घर में काफ़ी अच्छा करें प्रीमियर एपिसोड के बाद, और साथ ही साथ ये सब ने माना। अब लेकिन जय भानुशाली की एंट्री पर उनकी वाइफ ने क्या कहा, उनकी एंट्री पर, जय भानुशाली की एंट्री पर उनकी बेटी तारा ने क्या कहा, आप या आप सभी दर्शकों को बताते हैं। दोस्तों इस बात को जानकर आप भी पूरी तरह से इमोशनल हो जाएंगे। क्या कहा तारा ने, आइए आपको बताते हैं। उनकी बेटी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये बात। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि तारा काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दी। सबसे पहले आपको बता दें कि माही विज जय भानुशाली की एंट्री का एक छोटा सा क्लिप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करती हैं, और साथ ही साथ कहती हैं कि वाह जय भानुशाली वाह, आपने तो पूरी तरह से दिल जीत लिया। क्योंकि जय अपने पति को जय जो है जय जय कहकर वो पुकारती हैं, और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर माही विज जो हैं क्लिप को शेयर करते हुए उसमें बच्ची भी दिखाई देती हैं, जो जय भानुशाली और माही विज की जो बेटी है तारा, वो साथ ही साथ वो भी देख रही ही होती हैं जय भानुशाली अपने पापा की एंट्री, और साथ ही साथ वो कहती हैं कि मेरे पापा आ गए। हम आपको बता दें दोस्तों कि जय भानुशाली जब से विदा होकर बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर गए हैं अपने परिवार से, तब से ही जय भानुशाली और माही विज की जो बेटी है उनका काफ़ी बुरा हाल हो गया था, और साथ ही साथ वो लगातार अपने पापा को ही याद कर रही थी, और अपने पापा को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आती है, और साथ ही साथ वो कहती हैं कि पापा आ गए, ये बात जो है वो कहते हुए दिखाई देती हैं। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है ये भी आप हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।